देवी माँ का कृपा है, यहाँ लगता है कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान ऐसा दिन नहीं लाए जो दुर्गा पूजा बंद रहे, हर एक साल दुर्गा पूजा होते ही रहे। हाँ, हमें यहाँ 22 साल से आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी टीवी और मैं हूँ आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गया है और आज माँ का चौथा दिन है और आज कुष्मांडा का माँ का पूजा करने भक्तजनों आए हुए हैं और ऐसे में आईवी टीवी पहुँच चुकी है पटना स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर और यहाँ पे काफ़ी भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। आइए यहाँ के भक्तजनों से पूछते हैं कि ये क्या कुछ सभी श्रद्धालुओं की इच्छा पूर्ति। 2 साल के बाद दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, लॉकडाउन के बाद 2 साल के बाद मनाया जा रहा है, कितनी उत्साह है उसके लिए? काफ़ी उत्साह है। भगवान ऐसा दिन नहीं लाए जो दुर्गा पूजा बंद रहे, हर एक साल दुर्गा पूजा होते ही रहे यहाँ। कितना दिन से आते हैं आप? 5-6 सालों से तो मैं लगातार आ रहा हूँ लगभग। यहाँ की कुछ मान्यता है आपको पता है? देवी माँ का कृपा है, यहाँ लगता है कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, आने से इसलिए आप लोग आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर। मतलब यहाँ के बुजुर्गों का मानना है कि ये अशोक सम्राट के जमाने के मंदिर है, बहुत सतयुग का। हाँ, तो उसी चीज़ को मान्यता को लेकर हम लोग हर साल दर्शन करने आते हैं। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जो सामग्री है वो हवन कुंड में डाला जाता है, वो भूगर्भ हो जाता है। तो इसमें उतनी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन हम लोग एक तो बने अच्छे तीर्थस्थल के रूप में हम लोग दर्शन करने हमेशा आया करते हैं, ताकि मनोकामना। उत्साह है 2 साल के बाद? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ के नाम से ये जाना जाता है, पटना स्थित गुलजारबाग में ये मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि महादेव के कांडों के दौरान सतयुग के 91 खंड हुए थे, ये अंग अलग अलग जगहों पर गिरे थे, जहाँ पे ये अंग गिरे थे वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। उसी में से एक खंड सती का यहाँ पे गिरा था गुलजारबाग पटना स्थित में, और तो ये यहाँ पे शक्तिपीठ मंदिर बनाया गया, स्थापना हुआ। लोगों का कहना है कि सम्राट के शासन में, अशोक सम्राट के शासन से ही ये मंदिर काफ़ी छोटा था अभी ये, और यहाँ की मूर्तियाँ जो हैं वो सतयुग की बताई जाती है। और ये यहाँ की मूर्तियाँ 3 माँ यहाँ पे स्थित हैं, 3 सती माँ स्थित हैं यहाँ पे, महाकाली, महालक्ष्मी और महाश्वरसती। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये काली पत्थर की सब हैं, सब मूर्तियाँ। और ये भी यहाँ की मान्यता ये भी है कि जो यहाँ पे हवन कुंड में जो सामग्री डाली जाती है वो भूगर्भ हो जाती है, ये भी यहाँ के लोगों का कहना ही है कि मान्यता ये भी है। और वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, ये कोई नहीं जानता है। और माँ का जो भोग लगता है वो दिन में पक्की भोग भोजन लगता है, मतलब पक्की भोज जो की सामग्री चढ़ाई जाती है, और रात में कच्ची भोग की सामग्री चढ़ाई जाती है। यहाँ के मतलब यहाँ के जो पंडित जी हैं उनका कहना है, वो ये कहते हैं। बाकी तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, भक्तों की कितनी भीड़ लगी है और सारे भक्त जन पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज माँ का चौथा दिन है, आज कुष्मांडा का पूजा होगा, माँ दुर्गा माँ के स्वरूप कुष्मांडा का आज पूजा होता है, चौथा दिन है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, इस बार 2 साल के बाद दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, इसको लेके काफ़ी उत्साह है भक्तों के बीच। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आईवी टीवी के साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।
आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।